हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अमाइन को कंप्लीट कर लिया था, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों एक एक करके यहाँ पर अल्काइल नाइट्राइल, देन आफ्टर अल्काइल आइसोनाइट्राइल, देन आफ्टर नाइट्रो और नाइट्राइड ग्रुप, दोनों को कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं बच्चों क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं अल्काइल नाइट्राइल। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अल्काइल नाइट्राइल किस तरीके से होगा, अल्काइल नाइट्राइल का किस तरीके से करेंगे बच्चों, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले अल्काइल नाइट्राइल में प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल नाइट्राइल ग्रुप का मतलब क्या होता है बच्चों, आपका RCN ग्रुप, काफी इजी है, ठीक है। इसको अब हम देख लेते हैं एक एक करके ध्यान से, काफी इजी है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड, जो हमारा फर्स्ट जो आपका प्रिपरेशन मेथड है वो बच्चों क्या है, यहां पर आपका अल्काइल नाइट्राइल में प्रिपरेशन मेथड है वो आपका है बाय अल्काइल हैलाइड के थ्रू। ये मैंने आपको अल्काइल हैलाइड में ही पढ़ाया था, जब मैंने RX की रिएक्शन आपका KCN या NaCN के साथ कराता हूं तो यहां पर क्या होता है, CN minus behave as nucleophile, किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, CN minus आपका nucleophile की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर कौन सा आपका रिएक्शन आकर होगा, nucleophilic सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मैंने आपको बताया था, यहां पर आपका nucleophilic सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका आकर होगा, यहां से ये आपका बाहर एलिमिनेट होगा तो यहां पर क्या बनेगा, RCN, ठीक है, यहां पर आपका RCN बनेगा और साथ में आपका NaCN या आपका KCN, ये मैंने आपको बताया था। और यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इस यहां पर आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इज कार्बन सेंटर, कौन सा सेंटर, कार्बन सेंटर आपका यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा बच्चों, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझो बच्चों काफी, ताकि आपको काम आ जाए। अब नेक्स्ट रिएक्शन मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाई थी, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अमाइड। अब देखो अमाइड का डिहाइड्रेशन कराने पर मुझे क्या मिल जाता है बच्चों, साइनाइड। देखो कैसे, जैसे देखो RCONH2, इसका जब मैं P2O5 के प्रेजेंस में इसको हीट करूंगा बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, R यहां पर आपका C ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये मैंने आपको कहां बताया था, इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। मैंने एक एग्जांपल पढ़ाया था बच्चों आपको CH3COOH, अब इसका अमोनिया के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करा देता हूं मैं तो आपको क्या बनता है बच्चों, यहां पर आपका अमोनियम सोल्ट का प्रिपरेशन होगा, किसका प्रिपरेशन होगा बच्चों, अमोनियम सोल्ट का। तो यहां पर आपका CH3COO-NH4+। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं हीट करूंगा तो यहां से H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, जब आपका H2O मॉलिक्यूल का यहां से एलिमिनेशन होगा तो यहां पर NH2 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये आपको पढ़ा था P2O5 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो RCN बनेगा ही, यही तो सिमिलर स्टेप मैंने यहां लिखी है, यही जो मैंने आपका हमारा जो स्टेप है, यही स्टेप जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था वही तो मैंने यहां लिखा है। तो आपको रिएक्शन इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं करने, ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ बच्चों अब हम समझते हैं यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों, थर्ड रिएक्शन सी फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट के थ्रू। अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट के थ्रू हम किस तरीके से रिएक्शन करेंगे, किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। देखो यहां पर अब ध्यान से समझना, CN2 को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना बच्चों, CN2
देखो सी एन टू आपकी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक्स टू, एक्स टू को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन। एक्स टू को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन। इसी तरीके से सी एन टू को हम क्या बोलते हैं, साइनोजन। क्या बोलते हैं बच्चों, साइनोजन। अब साइनोजन आपका होता है स्यूडो हैलोजन कंपाउंड, स्यूडो हैलोजन कंपाउंड। क्या होता है बच्चों, स्यूडो हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, अब देखो स्यूडो हैलोजन कंपाउंड क्या होता है, स्यूडो हैलोजन कंपाउंड क्या होता है, विच कैन बिहेव एज हैलोजन। अब देखो यहां पर अगर मैं इसका हेलाइड आयन बनाऊं तो यहां पर क्या बनेगा, एक्स माइनस, और इसका इसका क्या बनेगा, साइनाइड आयन, सी एन माइनस। और ये आपका इसकी तरह भी आपका प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है साइनोजन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है बच्चों, साइनोजन। अब ध्यान से समझना, अगर मैंने यहां पर, ध्यान से समझना बच्चों, अगर मैंने यहां पर आर आर एम जी एक्स की रिएक्शन मैंने साइनोजन क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा बच्चों, साइनोजन क्लोराइड के साथ अगर इसकी रिएक्शन करा दी, अब दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा बच्चों, इसको समझो। देखो ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस सेंटर, ये आपका प्लस सेंटर। अब ये आपका कहाँ जाएगा, सी एन के पास, तो आपका क्या बन जाएगा, आर सी एन, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, आपका एम जी एक्स, और यहां पर सी एल। इस तरीके से हम यहां पर किसका प्रिपेयर करते हैं बच्चों, अल्काइल नाइट्राइल का। थोड़ा सा ध्यान से समझो बच्चों इस चीज को, इस फिनोमिना को थोड़ा सा ध्यान से समझो। अब हम समझते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। एक और नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन में अब देखो, बाय डी बाय बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अमाइन। अगर मैं अमाइन का डिहाइड्रोजिनेशन कर दूंगा, देखो डिहाइड्रोजिनेशन मतलब आपको 2 मोल H2 को निकाल लेना है। देखो ध्यान से, CH3 सी, यहां पर CH3 CH2 NH2। अगर मैं इसमें से डिहाइड्रेट कर दूं, डिहाइड्रेट करने के लिए क्या चाहिए, कॉपर या फिर निकल के प्रेजेंस में, डिहाइड्रोजिनेशन एजेंट आपका कौन होगा बच्चों, कॉपर एंड निकल। अब कॉपर और निकल के प्रेजेंस में अगर मैं इसको डिहाइड्रोजिनेटेड करूंगा बच्चों, तो यहां से आपका 2 मोल H2 निकलेगा, और यहां से भी आपका 2 मोल H2 निकलेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, CH3C, यहां पर आ जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड N। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने यहां पर भी किसका प्रिपरेशन कर लिया बच्चों, अल्काइल नाइट्राइल का। ठीक है, काफी इजी रिएक्शन है, एक दो बार अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन पे। तो ये बच्चों हमारा, आप हमारा यहाँ पर जो प्रिपरेशन मेथड है बेसिक बेसिक, वो हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, इसमें नाउ अब हम इसके नेक्स्ट रिएक्शन मतलब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे चलते हैं बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल नाइट्राइल। तो एक एक करके ध्यान से समझते हैं बच्चों, तो देख लेते हैं यहां पर ध्यान से समझ लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल नाइट्राइल का केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आपका यहां पर सबसे पहला आपका केमिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, अब हाइड्रोलाइसिस आप जानते हो कि आर सी एन का अगर मैंने हाइड्रोलाइसिस कराया, तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस मतलब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अमाइड बन जाएगा, और देन इसका फिर मैंने हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो यहां पर क्या बन जाएगा, आर सी एन। इस टाइप का आपका कंपाउंड बन जाएगा बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट के थ्रू किस तरीके से रिएक्शन करता है बच्चों, ये मैं आपको बता दिया था, फिर भी एक बार और समझ लो।
अगर इसकी रिएक्शन मुझे आर एम जी एक्स के साथ कराना है तो सबसे पहले आपका कौन सा बॉन्ड आपका डिसोसिएट होगा बच्चों? ये वाला बॉन्ड आपको यहाँ टूटेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। अब ये यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर आर सी आर डबल बॉन्ड एन एम जी एक्स ये हो जाएगा बच्चों। नाउ फदर अगर मैं इसको हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, नाउ फदर अगर मैं इसको यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कराने की बजाय हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? नाउ फदर अगर मैंने इसको हाइड्रोलाइसिस नहीं कराना चाहा तो क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। चलो ठीक है, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया। हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपका कौन सा कंपाउंड बन जाएगा बच्चों? ये आपका कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? इमाइन। अब अगर मैंने इमाइन का फर्दर हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों यहां पर? कीटोन कंपाउंड। ठीक है, देन फर्दर अगर आपने कीटोन कंपाउंड का रिएक्शन कराया फिर आपने किसके किसके साथ? आर एम जी एक्स के साथ, तो यहां पर माइनस यहां पर प्लस, ये बॉन्ड यहां खुलेगा। अब ये यहां से अटैक मारेगा तो यहां पर आर आर आर, ठीक है, ओ एच टर्शरी, यहां पर हाइड्रोलाइसिस भी साथ में लिख देता हूँ, टर्शरी एल्कोहल का प्रिपरेशन करेगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो बच्चों इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। और ग्रिगनार्ड रिएजेंट आपको कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी? 2 मोल ग्रिगनार्ड रिएजेंट की आपको रिक्वायरमेंट होगी। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं बच्चों, रिडक्शन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल। तो एक एक करके देखते हैं बच्चों, यहां पर रिडक्शन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल, तो देखते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल। अल्काइल नाइट्राइल का मुझको रिडक्शन कराना है तो मैं रिडक्शन किस तरीके से कराऊंगा बच्चों? रिडक्शन के लिए मैंने काफी कुछ बता रखा है बच्चों आपको, आर सी एन का रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको बहुत कुछ बता रखा है, रिड्यूसिंग एजेंट अभी लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या होता है बच्चों। तभी मैंने अमाइन का प्रिपरेशन मेथड आपको पहले पढ़ाया था, ठीक है, एन ए, ठीक है, सी टू एच फाइव ओ एच, ठीक है, इसमें एक अलग से याद रख लो एस एन सी एल टू, एस एन सी एल टू भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, एस एन सी एल टू वाला भी एक आपका क्या हो जाएगा बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एस एन सी एल टू के प्रेजेंस में इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेफन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? स्टेफन रिएक्शन। थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, एक तो डिटाइबल एच बी करता है बच्चों, जो कि मैंने डिटाइबल वाले सेगमेंट में आपको बताया था, ठीक है, डायबल एच बी इसका करेगा नाउ। और यहां पर क्या होगा? डायबल की केवल 4 टाइप के आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को करता था बच्चों, 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड को करता था, 4 में से एक कौन से कौन है बच्चों? आपका नाइट्राइल, एक आपका एस्टर का करता था, ये मैंने बताया था बच्चों, एक बार आप डायबल एच को रिवाइज कर लो कौन किस किस को करता था, ठीक है, डायबल एच। उसके बाद आपका यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर मेटल कैटलिस्ट, इन इन सब के प्रेजेंस में आपका क्या होता है बच्चों? हाइड्रोलाइसिस होगा, मेटल कैटलिस्ट। अब हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, जब इन 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 सब के प्रेजेंस में रिडक्शन होगा तो ये आपका क्या बना लेगा? आर सी एन विल कन्वर्ट इनटू आर सी एच टू एन एच टू, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ बच्चों, ठीक है, ये काफी इजी था, अगर एक दो बार अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं डाइबेल एच के प्रेजेंस में करता हूं, किसके प्रेजेंस में बच्चों? डाइबेल एच के प्रेजेंस में, तो ध्यान रखना आर सी एन आपका सबसे पहले आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच में कन्वर्ट होगा। नाउ मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, मैंने ऐसा बताया था बच्चों, मतलब अगर इसका 1 मोल का कराऊंगा तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर? डाइबेल एच, डाइबेल एच, ठीक है, डाइबेल एच, और यहां पर क्या आ जाएगा? 78 डिग्री सेल्सियस माइनस। ये मैंने रिएक्शन आपको करवाया था और ये भी रिएक्शन कराया था, दोनों रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए बच्चों, ये वाली रिएक्शन आपसे अक्सर पूछ लेगा। ठीक है, तो इसका अगर 1 मोल से करके साथ करेंगे तो
एल्डिहाइड कंपाउंड का प्रिपरेशन होगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, काफी इजी है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं बच्चों। आई होप सो कि आपको अब काफी हद तक आ गया होगा बच्चों। नाउ अब हम समझते हैं बच्चों, यहां पर अल्काइल आइसोनाइट्राइल, अल्काइल आइसोनाइट्राइल का प्रिपरेशन हम किस तरीके से करेंगे बच्चों। सबसे पहला यहां पर प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल आइसोनाइट्राइल का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहला, जब मैंने आरएक्स की रिएक्शन अगर मैं एजीसीएन के साथ कराऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा, आरएनसी। ये तो आप अच्छे से जानते हो बच्चों। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहां पर जो सीएन होगा, सीएन में आपका एन एन आपका केस की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ठीक है, और देखना KCN में आपका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, KCN में आपका आयोनिक कैरेक्टर होता है, लेकिन आपका AGCN में स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से यहां पर आपका कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आपका ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर अल्काइल आइसोनाइट्राइल का प्रिपरेशन हो जाएगा। नाउ सेकेंड रिएक्शन अब हम समझते हैं बच्चों एक एक करके ध्यान से। तो सेकेंड रिएक्शन आपका क्या है बच्चों, यहां पर जो आपका सेकेंड रिएक्शन है उसको देख लेते बाय, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड बाय कार्बिलामाइन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, जो आपका अमाइन होगा, मतलब RNH2, मैंने कार्बिलामाइन टेस्ट आपको पढ़ाया था, RNH2 की रिएक्शन अगर मैंने CHCl3 के प्रेजेंस में KOH के साथ कराता हो तो RNC का प्रिपरेशन होता है। पूरा मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म आपको लिखाया था, और साथ में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर KCl और वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका होता है, यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट CCl2 कार्बिन होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अल्काइल आइसोनाइट्राइल को प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों, और भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट इसके केमिकल प्रॉपर्टी पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं बच्चों यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल आइसो नाइट्राइल। तो एक एक करके देखते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल आइसोनाइट्राइल को, हम एक एक करके समझते हैं बच्चों अल्काइल आइसोनाइट्राइल की केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो काफी इजी है। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रोलाइसिस। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, और हाइड्रोलाइसिस ऑलवेज कौन से मीडियम में, ऑलवेज इन एसिडिक मीडियम में, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कहां पर, कार्बोक्सिलिक एसिड के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यहां पर RNC, वहां पर जहां मैं बताता हूं बच्चों वहां एक बार देख लिया करो ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसका अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा H3O+ के प्रेजेंस में तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर RNH2 और HCOOH फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से एसिडिक मीडिया में कराएंगे, तो केवल और केवल यही आपके इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, केवल एसिडिक मीडियम में होता है और आपका अमाइन का प्रिपरेशन करेगा, और आपका किसका, फॉर्मिक एसिड का, किसका प्रिपरेशन करेगा बच्चों, यहाँ पर आपका फॉर्मिक एसिड का। अगर किसी को मैकेनिज्म जानना हो तो वो एक बार लिखे और मुझसे पूछे क्या क्या ये मैकेनिज्म सही है, तो मैं उसको ये मैकेनिज्म के बारे में बता दूंगा बच्चों। नाउ सेकेंड रिएक्शन है बच्चों हमारा कौन सा, रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्काइल आइसोनाइट्राइल। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्काइल आइसोनाइट्राइल। तो अल्काइल आइसोनाइट्राइल का रिडक्शन हम किस तरीके से कराएंगे बच्चों, अगर मैंने यहां पर Na+C2H5OH के साथ रिएक्शन कराया तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेंडियस रिएक्शन। थोड़ा सा ध्यान, नाम ध्यान रखना, मेंडियस रिएक्शन।
और ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर एन एच सी एस थ्री, मतलब सेकेंडरी अमाइन, मतलब जितने भी आपके आइसोसाइनाइड है, अब सिंपल मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, जितने भी आपके आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड के साथ अगर आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में अमाइन में लिखवाया था, रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है, ठीक है। और ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ किस तरीके से करता है मैंने आपको बताया था, वो आपको खुद करना है, ठीक है। तो ये मैं होमवर्क दे रहा था बच्चों, यहाँ पर आर एन सी की रिएक्शन आपको करानी है किससे, सी एस थ्री एम जी बी आर के साथ, देन फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको मुझे बताना है बाय वन मोल के थ्रू, ठीक है, वन मोल होना चाहिए ये आपका, ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट बताना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इजी है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट रिएक्शन को समझते बच्चों, अब हम यहां पर अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को समझते हैं, सम एडिशन रिएक्शन ऑफ सम एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल इसका कुछ एडिशन रिएक्शन को देख लेते हैं बच्चों। देखो जैसे आर एन सी की रिएक्शन अगर मैं सल्फर के साथ कराऊंगा तो आर एन सी एस कंपाउंड बना लेगा। देखो अब देखो, आर एन सी की रिएक्शन अगर मैं एच जी ओ के साथ करा दूंगा तो यहाँ पर आर एन सी ओ बना देगा, ठीक है। यहां पर क्या बनाएगा, यहां पर इस टाइप का बना देगा बच्चों। अगर मैं इसके आर एन सी की रिएक्शन ओ थ्री के साथ करा दूंगा, देखो कौन सा आके बाहर आपका जुड़ेगा, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वही आके सिंपल जुड़ जाएगा, आर डबल बॉन्ड एन सी ओ, इस टाइप का बनाएगा। अब और देख लेते हैं बच्चों कौन कौन होते हैं, ठीक है, काफी इजी है, एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर मैंने आर एन सी की रिएक्शन एक्स टू के साथ करा दिया हेलोजन के साथ, तो यहां पर आर एन डबल बॉन्ड सी एक्स एक्स, कुछ इस तरीके से कंपाउंड आपके प्रिपेयर कर लेंगे बच्चों। थोड़ा सा इस रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान रखो, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर थर्ड, एक्शन ऑन हीट, जब मैं हीट पे गर्म करूंगा, जब मैं इसको हीट दूंगा, आर एन सी आपका किस में कन्वर्ट कर जाएगा बच्चों, आर सी एन में। और मुझे कितने डिग्री टेम्परेचर रखना पड़ेगा बच्चों, 250 डिग्री सेल्सियस। ये आपका एक दूसरे का क्या है बच्चों, एक दूसरे का यहां पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्या होगा बच्चों, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपका यहां पर अल्काइल नाइट्राइल और अल्काइल आइसोनाइट्राइल का किस तरीके से हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको बस कुछ नहीं करना, ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।